नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड सेकंड ईयर के जो पेपर चल रहे हैं और 5 को जो आपका अधिगम के लिए आकलन पेपर नवम का जो पेपर है उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। विद्यार्थियों, मैंने एक मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया है, आप इसको देखें, समझें और एक बार मेरी वीडियो को अवश्य देखें और इसमें जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ उन प्रश्नों को आप देख करके जाइए। हो सकता है इनमें से ही आपके पेपर के जो क्वेश्चन है वो आ जाए। तो आप एग्जाम देने से पहले जो 2 दिन का आपके पास टाइम है उसमें मेरे ये पेपर के जो मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवा रही हूँ, एक बार इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख के जाए और इनको पढ़ कर के जाए ताकि आप एक अच्छा पेपर कर पाओ। तो देखिए, अधिगम के लिए जो आकलन वाला पेपर है विद्यार्थियों वो आपके 80 मार्क्स का है और 3 घंटे का पेपर है। इसमें जो है 2 खंडों में डिवाइड है, खंड 1 है और खंड 2 है। खंड 1 में कुल 12 प्रश्न आएंगे और खंड 2 में आपके 6 प्रश्न आएंगे। कुल खंड 1 में जो 12 प्रश्न है उनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं, जबकि खंड 2 जो है उसमें आपके 6 में से 3 प्रश्न करने हैं। बाकी आपको पता है राजस्थान विश्वविद्यालय के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 60% पेपर आपको करना है। बाकी पेपर पैटर्न यही कहता है कि 12 में से 7 क्वेश्चन आपको करके चलने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहला प्रश्न जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी यूनिट फर्स्ट में है, वो है निर्माणात्मक मूल्यांकन एवं योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है। निर्माणात्मक इट मीन्स रचनात्मक मूल्यांकन। सेकंड क्वेश्चन जो विद्यार्थियों आपके हैं वो है आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है सेमेस्टर प्रणाली की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न है। फोर्थ क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइए। मापन एवं मूल्यांकन में ये वाला मैंने आपके वीडियो भी बनाया है, अगर आपको मापन और मूल्यांकन में अंतर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार मेरे वीडियो को अवश्य देखें। मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों आकलन एवं मूल्यांकन एक ही सिक्के के 2 पहलू है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा, मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों सहकर्मी पृष्ठ पोषण के लाभ एवं सीमाएं लिखिए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों पावर पॉइंट प्रस्तुति का क्या अर्थ है। पावर पॉइंट प्रस्तुति का क्या अर्थ है एवं लाभ क्या है,
ये प्रश्न भी आपके आ सकता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, जेड स्कोर क्या है? जेड स्कोर क्या है, इसका क्या उपयोग है? ये प्रश्न भी आपके आ सकता है। नेक्स्ट है समूह परिचर्चा। समूह परिचर्चा, समूह परिचर्चा को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। आयोजन के चरण, आयोजन के चरणों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, ये मेरे आप वीडियो में भी देख सकते हैं और नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी दिए हुए होंगे, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख के वीडियो ऑन करके भी एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, एक उत्तम परीक्षण, एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है खुली पुस्तक परीक्षा, खुली पुस्तक परीक्षा क्या है, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और है विद्यार्थी, व्यक्तिगत एवं सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रतिपुष्टि से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रतिपुष्टि से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न भी आपके आ सकता है। अब आता है विद्यार्थी खंड दो। खंड दो में आपके छह प्रश्न आएंगे, उन छह प्रश्नों में से आपको तीन प्रश्नों का जवाब देना है। तीन प्रश्न और तीन उसके ऑप्शंस आएंगे, कौन कौन से आ सकते हैं एक बार इनको जरूर देखते जाइए। पहला प्रश्न है रूब्रिक से आप क्या समझते हैं, रूब्रिक से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसमें आप इसके उपयोग और इसके प्रकार दोनों का उल्लेख आपसे पूछा जा सकता है, अथवा में विद्यार्थियों आपके पूछा जा सकता है मानक विचलन से, मानक विचलन से आप क्या समझते हैं और मानक विचलन ज्ञात करो। एक प्रश्न दिया हुआ आएगा, उसमें आपको मानक विचलन ज्ञात करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके सामने है, संचयी अभिलेख क्या है? संचयी अभिलेख क्या है और इसकी चुनौतियां आपसे पूछी जा सकती है, इसके अथवा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सह संबंध से कई बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सह संबंध से आप क्या समझते हैं, सह संबंध से आप क्या समझते हैं और नीचे दिए प्राप्तांकों के समूह के बीच क्या ज्ञात करना होगा, आपको सहसंबंध ज्ञात करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पोर्टफोलियो से क्या अभिप्राय है, रूब्रिक्स विकास को स्पष्ट कीजिए, रूब्रिक्स विकास को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके अथवा में
क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है तीन पर टिप्पणी, तीन पर टिप्पणी, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है सहकारी अधिगम, नेक्स्ट है विद्यार्थियों आवर्ती बहुभुज, नेक्स्ट है टी परीक्षण, नेक्स्ट है सेमिनार, फिर है विकल्प आधारित, विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था, एंड देन शतांश। इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न आएगा। आप एग्जाम्स के जो दो दिन आपके बचे हैं उन दो दिनों में आप इन क्वेश्चंस के आंसर सहित पढ़ें ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। एक बार और देख लीजिए, जो आपका खंड एक है उसमें मैंने आपको 15 प्रश्न दिए हैं। देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, आकलन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, सेमेस्टर प्रणाली की अवधारणा की व्याख्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, ये आप मेरे वीडियोस में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो के नीचे आपको लिंक देने वाली हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए, सहकर्मी पृष्ठ पोषण के लाभ और सीमाएं लिखिए, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण का अर्थ और लाभ क्या है, जेड स्कोर क्या है और इसके क्या उपयोग है, समूह परिचर्चा को परिभाषित और उसके चरण पूछे जा सकते हैं, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है स्पष्ट कीजिए, एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, खुली पुस्तक परीक्षा क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रतिपुष्टि से आप क्या समझते हैं। एक आप इसमें मूल्यांकन जरूर पढ़ के जाना विद्यार्थी, मूल्यांकन वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और मूल्यांकन में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न भी आ सकता है। मूल्यांकन को पढ़कर के आपको जाना ही जाना है क्योंकि मूल्यांकन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा खंड दो में रूब्रिक से आप क्या समझते हैं उपयोग और प्रकारों के बारे में, और इसके ऑप्शन भी पूछा जा सकता है, मानक विचलन से आप क्या समझते हैं, और मानक विचलन कोई भी एक सवाल आपके सामने होगा और उसमें से आपको मानक विचलन ज्ञात करना होगा, संचय अभिलेख क्या है उसकी चुनौतियां, सह संबंध से आप क्या समझते हैं उसके प्राप्तांकों के बीच सह संबंध पूछा जा सकता है, पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं, रूब्रिक्स विकास को स्पष्ट कीजिए, और इनमें से आपको एक टिप्पणी पूछी जा सकती है। ये मैंने आपको अधिगम के लिए आकलन पेपर 9 बीएड द्वितीय वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित जो पेपर है उसका एक मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आप अच्छे से इस पेपर की तैयारी कर सको और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सको और अच्छे मार्क्स ला सको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मेरे नवभारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। विद्यार्थियों धन्यवाद।